हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में ऋषि पंचमी व्रत, इसको किस तरीके से रखते हैं और कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमारे पड़ोस में हम लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, इनके यहाँ पे जो पड़ोस में है ये भी हमारी फैमिली है, यहीं पर हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो इन्हीं के घर में सारी आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहीं एक जगह पूजा हो जाती है, कथा वगैरह पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। एक पाटा लेते हैं जिसको अच्छे से धो लेते हैं, फिर उस पर जो मेरी दीदी है, जो ननद है, वो सबसे पहले यहाँ पे सूरज बना रही हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड में, राइट साइड में उन्होंने चंदा बनाया है, फिर साइड में सातिया बना रही हैं। यहाँ पे सातिया बनाने के बाद फ्रेंड्स एक एक करके यहाँ पे सात ऋषि बनाएंगे जिनकी हम पूजा करेंगे, क्योंकि इस ऋषि पंचमी व्रत में ऋषि की ही पूजा होती है। ये व्रत वो महिलाएं रहती हैं जिनका पीरियड आता है, और ये पीरियड में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि बहुत सारी चीज़ें छू लेते हैं, जैसे किचन में जाते हैं, कई लोगों के यहाँ किचन में नहीं जाते हैं, किचन में जाना मना होता है, बिस्तर पे सोना मना होता है, तो हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं अनजाने में। जैसे हम कभी मंदिर में खड़े हों तो एकदम से हमारा पीरियड आ जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो इस व्रत को करने से ये सारी गलतियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। साल में ये व्रत एक बार ज़रूर करना चाहिए। सबके यहाँ अलग अलग होता है, यूपी साइड में ये अलग होता है, एमपी साइड में ये अलग होता है। यूपी साइड में फ्रेंड्स क्या मान्यता है कि ये वहाँ पर इस व्रत के लिए या तो कुंवारे पे रहते हैं, जब तक हमारा पीरियड नहीं आता तब तक रहते हैं, या फिर पीरियड बंद हो जाता है 50 साल की उम्र के बाद रहते हैं, वहाँ पर यूपी साइड में ऐसे रहते हैं। पर जो मैं एमपी में रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कथा में भी काफ़ी अच्छा वर्णन किया हुआ है कि इसको इसी तरीके से रहते हैं जब पीरियड आता है तभी, क्योंकि उसी के लिए है कि हम किसी चीज़ को छू लेते हैं तभी उस चीज़ का निवारण के लिए ये वाला व्रत है, शुद्धिकरण के लिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये सात सप्तऋषि यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो आप लोग को देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे रतलाम में तो इधर के लोग इसको आंधी चारा कहते हैं। जो पत्ते आपको दिख रहे हैं ये आंधी चारा एक पेड़ होता है, ये उसके पत्ते हैं, तो इनको चढ़ाया जाता है। और जो आंधी चारे की जो डंडी होती है उन डंडी को 108 करके काट लेते हैं, फिर सिर पे रख के 108 बार जैसे लोटा होता है या मग्गा होता है उसे डाल करके नहाते हैं। सिर से नहाना होता है, मतलब लकड़ी वगैरह डाल के सिर पे रख के उसको नहाते हैं हम। यूपी साइड में इसको चिरचिटा चिरचिटा करके एक पेड़ होता है उसको कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी पूजा की थाली बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल सब लोगों की थाली हैं, मेरी अकेले की नहीं है, जितनी लोग यहाँ पे हैं सभी की थाली हैं ये। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सप्तऋषि के लिए है, अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले इनको स्नान कराते हैं। ये जो मेरी है, ये मेरी बड़ी सास हैं जो यहाँ पे भगवान सबसे पहले यही करती हैं हमेशा, तो अभी भी यही कर रही हैं। वैसे ये सासू माँ नहीं करती, इनकी बहू करती हैं, फिर भी ये हमेशा पूजा करती आ रही हैं, तो हमेशा पूजा भी करती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे स्नान कराया है, फिर यहाँ पे सबके लिए मोरधन होता है वो ही इनको चढ़ता है, वो ही यहाँ पे सब लोग खाते हैं उसी, और बल्कि और कोई चीज़ नहीं खाते हैं, ना आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, मोरधन ही खाते हैं। अब यहाँ पे जो दीदी हैं वो यहाँ पे स्नान करा रही हैं सुपारी के लिए, फिर यहाँ पे सुपारी को सब गुलाल वगैरह इनको सिंदूर, सप्तऋषि को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, यहाँ पे हल्दी चंदन ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अब एक एक करके सबको फूल कलावा सब सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो सप्तऋषि हैं इनके लिए कोई सा भी वस्त्र नहीं चढ़ता है, इनके लिए सफ़ेद वस्त्र यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो अभी जो दीदी है वो यहाँ पे सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएंगी। सबसे पहले वो यहाँ पे जनेऊ पहना रही हैं, और जो मेरी सास हैं वो भी यहाँ पे इन सबको जनेऊ पहना रही हैं, और फिर फूल अर्पित कर रही हैं। यही सारी चीज़ें इनमें लगती हैं, बस और कोई चीज़ नहीं है, बस कलावा है, जनेऊ है, ये सारी चीज़ें। अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं उतनी देर से मैं खुद वीडियो बना रही थी, क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ मोबाइल पकड़ने के लिए, और जो मेरा स्टैंड था वो मैंने ऑनलाइन मंगाया वो बिल्कुल टूट गया था, वो बस ऐसा ही निकला।
तो यहाँ पे वो दूसरी दीदी है वो वीडियो बना रही है। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, सबको स्नान करा रही हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाऊँगी। यहाँ पे फल में हम लोगों ने केला है, खीरा है और सेब है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कथा की जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई मेरे से गलती से। उस टाइम पे एकदम से बच्चों ने मोबाइल ले लिया था, तो उस टाइम मेरे से गलती से वो वीडियो डिलीट हो गई। कथा की, कथा भी काफ़ी अच्छी है। बस अब यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। कथा की तो वीडियो डिलीट हो ही गई थी, बस इस तरह से आरती करके ये वीडियो बस यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू। उठाओ करुणा हाथ बढ़ा।